बिहार की नीतीश सरकार ने प्रदेश को नशा मुक्त करने का अभियान छेड़ रखा है। शराबबंदी के बाद अब तंबाकू को भी प्रतिबंधित करने की तैयारी है। सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग खैनी पर रोक की शुरुआत करने जा रहा है। ऐसे में मास्टर साहब के लिए स्कूलों में खैनी खाना महंगा पड़ सकता है। टीचर्स की जाँच की जाएगी और यदि उनके पास से तंबाकू बरामद हुआ तो उन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। शराबबंदी के बाद तंबाकूबंदी अभियान की शुरुआत जल्द ही की जा सकती है। इसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। शिक्षा विभाग जल्द ही इस बाबत सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी और डीओ को निर्देश जारी करने वाला है। जानकारी के अनुसार तंबाकूबंद अभियान की शुरुआत जल्द ही की जाएगी। सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग जल्द ही इसको लेकर अभियान शुरू करने जा रहा है। इसका प्रारंभ सरकारी स्कूलों से किया जाएगा, यानी स्कूल के शिक्षक अब क्लासरूम या स्कूल कैंपस में खैनी नहीं खा सकेंगे। इस बाबत शिक्षकों की कभी भी तलाशी ली जा सकती है। गुरुजी की जेब की अब कभी भी जांच हो सकती है। शिक्षा विभाग इसको लेकर सभी जिलों के डीएम, एसपी और डीओ को जल्द ही निर्देश जारी करने वाला है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस की भी मदद ली जाएगी। जानकारी के मुताबिक औचक निरीक्षण और जाँच के साथ ही शिक्षा विभाग जागरूकता अभियान भी चलाएगा ताकि शिक्षक हो या बच्चे, उन्हें तंबाकू से होने वाले नुकसान की जानकारी मिल सके। तंबाकू नियंत्रण जन स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद है इसकी भी जानकारी दी जाएगी। आदेश जारी होते ही जिले के डीओ, डीपीओ से लेकर पुलिस अधिकारी तक कभी भी स्कूलों में दस्तक दे सकते हैं और शिक्षकों की जेब की तलाशी ले सकते हैं। खैनी के साथ पकड़े जाने पर शिक्षकों के खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में खैनी का सेवन करने वाले और जेब में चुनौती रखने वाले गुरुजी को अब सावधान होना है। अन्य विभागों की तरफ से जल्द ही शहर के चौक चौराहों पर तंबाकू से होने वाले नुकसान को लेकर सभी जिलों में अभियान चलाए जाएंगे। यह अभियान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तंबाकू से कैंसर का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा मुंह के कैंसर की आशंकाएं रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, पटना।